नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। मैं इस समय गुजरात में हूँ। यस बैंक डूब गया है। गुजरात के गृह मंत्री हैं प्रधानमंत्री, मेरे साथ दो, जैसे वो गृह मंत्री प्रधानमंत्री, मेरे साथ दो मेरे साथी पत्रकार हैं, लक्ष्मण जी हैं जो एक अखबार चलाते हैं और बहुजन आंदोलन को बहुत करीब से समझते हैं। एससी एसटी ओबीसी की क्या समस्याएं वो समझते हैं। एक और साथी पत्रकार हैं, उनसे भी समझेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं चीज़ों को, और गुजरात के बारे में आपको रूबरू कराएंगे कि हाँ, जो मैं कहता था पहले, मैं 15 साल से आ रहा हूँ गुजरात, की कैसे गुजरात प्राइवेट लिमिटेड की तरह चल रहा था। और गुजरात में सिर्फ व्यापारी ही नहीं है, मैं कल धीरू भाई अंबानी के गांव से गुजर रहा था, उस गांव का नाम शायद चोर बारा है। किसी ने मेरे साथ गाड़ी में कहा, मैं इस बात का समर्थक नहीं कि सबसे बड़ा चोर व्यापारी का गाँव का नाम भी चोर बारा है। बारा मतलब गाँव होता है, घर होता है, और चोर का क्या मतलब मुझे नहीं पता, बस मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन है। आज मैं गुजरात का समाचार पढ़ रहा था, दो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स लिया था, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और एक और हिंदी का अखबार था, और दोनों अखबार में पहली खबर थी सेंसेक्स, कितना अरबों खरबों का नुकसान हुआ है, जिस तरह से कल सेंसेक्स में गोता लगा है। तो गुजरात में आपको हर कोई शेयर बाजार के बारे में बताएगा। सर पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम है एलपी परमार, मैं गुजराती अखबार का एडिटर हूँ, छोटू व्यवसाय के साथ में काम करता हूँ। क्या लग रहा है आपको, आप जो अभी जो यस बैंक डूबा है, लोग कह रहे हैं गुजराती लोगों को पहले पता चल जाता है, उन्होंने कुछ लोगों ने तो पैसे भी निकाल लिए थे बैंक से, कैसे चलता है यहाँ गुजरात के जो बैंकिंग सिस्टम है, कैसे काम करता है? गुजरात में तो कई बड़ी बड़ी बैंकें चलती है, लेकिन जो गुजरात में ज़्यादातर जो बैंक है वो अब ये बैंक जो डूबा तो लगता है सभी बैंक डूबने वाले ही है। तो हम लोगों को बैंक पे विश्वास नहीं रहा, और बैंक जो है सब वो बनिया ब्राह्मण का ही बैंक है, और वो लोग पैसे लेकर गुजरात से चले जाते, देश में चले जाते, और मैं गुजराती होकर भी ऐसा कहता हूँ कि ज़्यादातर घपले गुजरात के ही लोग हैं। आप बसावा के साथ काम करते हैं, वो ट्राइबल नेता है, आदिवासी, आदिवासियों की हालत बहुत नहीं बदली है गुजरात में, 15% करीब उनको उनकी आबादी है, इसकी क्या वजह देखते हैं? नहीं, यहाँ की जो सरकार है वो सरकार आदिवासियों के अधिकार के लिए कोई काम नहीं करती, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। आदिवासियों का जल जमीन जंगल है वो उनका, वो वहाँ से ले जाती है, चोरी करती है, उनके अधिकार नहीं दे रही है, तो इसीलिए अधिकार आदिवासी को मिलता नहीं, तो आदिवासी को विकास कैसे होगा? जातिवाद सबसे ज्यादा, आप सौराष्ट्र के इलाके में जाएं, आप जाएंगे वहाँ सामान नहीं खरीद सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो पटेलों के मोहल्ले में घर नहीं खरीद सकते हैं, बनियों के मोहल्ले, जैन जो अमित शाह की जाति है वहाँ नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप पटेल भी हैं तो अभी जैन के मोहल्ले में आप घर नहीं खरीद सकते हैं, ये सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। सबसे ज़्यादा अगर देश में समृद्ध राज्य गुजरात है तो सबसे ज़्यादा जातिवाद भी गुजरात में ही है, और ये जो आरएसएस का अड्डा है, और आरएसएस वाले लोग सब यही लोगों को समझाते थे, जो भी है, जो वो धर्म की बातों में समझा कर वो जातिवाद पर लेकर आते हैं, इसीलिए यहाँ जातिवाद ज़्यादा है। जाति मतलब, लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं तो वो तो मैं समझ गया कि जाति में नहीं चाहिए, पटेल जो सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, शिवाजी को मानते हैं, वो भी जैन के मोहल्ले में घर नहीं खरीद सकते? हाँ, नहीं, कोई यहाँ पटेल का एरिया अलग रहता है, जैन का एरिया अलग रहता है, पटेल कितना भी अमीर हो जाए। हाँ, पटेल को भी नहीं। अच्छा, मिलता, पत्रकार के एरिया में नहीं मिलता है। आप पत्रकार हैं, जैसे हार्दिक के साथ जो हो रहा है, क्योंकि वो पटेल समाज से आता है, गुजरात में जब से केशुभाई पटेल के बाद कोई पटेल मुख्यमंत्री नहीं बना, तो इसको लेकर पटेल क्या सोचते हैं? अरे, पटेल वर्ण व्यवस्था में पटेल शूद्र है, और वो उनको मालूम नहीं कि शूद्र जो पटेल शूद्र है, और पटेल को केशुभाई पटेल को लेकर आए, सब पटेलों को भी बीजेपी में लाए, और पीछे से पटेलों को इतनी बड़ी लात मार दी कि 1% बनिया आज बीजेपी में सीएम है, और 12% पटेल आगे पीछे घूमते रहते। तो इस पर कोई चर्चा, मान लीजिए वर्ण व्यवस्था तो नहीं समझ में आता, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, ये सीएम उनके नहीं, ये भी नहीं समझ में आता उन लोग। अब ये वो क्या है कि पटेल अपने आप को अपर कास्ट समझते हैं, वैसे वर्ण व्यवस्था में वो शूद्र है, और आरएसएस उनको शूद्र होने के हिसाब से उनके पास एक काम लेती है,
आरएसएस किस हिसाब से उनके पास काम लेती है वो लोग समझ नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे उनकी वजह से, वो उनकी समस्या और समस्या का लाभ आरएसएस वाले उठाते क्या हैं। पटेलों में इस बात की बहस नहीं होती कि जब वो आरक्षण की मांग कर रहे थे तब पूरा पटेल हार्दी के साथ था, और जब पटेलों की हत्याएं हुई जेल में डाले गए उसको लेकर भी कोई गुस्सा नहीं है? अरे बहुत फूट पड़ा इन लोगों ने, आरएसएस वालों ने। पहले आनंदीबेन की सरकार को गिराने के लिए, पटेल की सरकार को गिराने के लिए हार्दिक को खड़ा किया, हार्दिक को खड़ा करके पटेल का आंदोलन चलवाया, और आरएसएस मतलब बीजेपी की पुलिस से बहुत पटेल को मारा, 14 पटेलों को मार दिया, जान से मार दिया। सूरत और अहमदाबाद जो जो सिटी है सब सिटी में पटेलों को घर में घुस घुस कर, आनंदीबेन की सरकार में जहां मुख्यमंत्री पटेल है, पटेल की सरकार में फिर पटेल की हार्दिक की आंदोलन की वजह से उन लोगों को मार पड़ी, पटेल की सरकार गई, और अब पटेलों की हालत गुजरात में बहुत खराब हो रही है और होने वाली भी है जी। जो जातिवाद जिस तरह से गुजरात में है तो बिजनेस हब माना जाता है, बिजनेस है, कितनी भागीदारी है SC ST OBC की माइनॉरिटी के लोग कुछ बिजनेस में आए हैं, कुछ है भागीदारी या अभी भी जीरो है? नहीं, SC ST की लोगों की बिजनेस में कोई भागीदारी नहीं, शायद 0.01% हो सकती है, OBC की 1-2% हो सकती है, बाकी तो अपर कास्ट के लोगों के, उसके ऊपर पटेल आते हैं, पटेल के ऊपर बनिया ब्राह्मण जो भी हो रहे थे। पटेलों की ये केशुभाई की सरकार बनने के बाद पटेलों को मौका मिला, लेकिन ये लोगों ने जब पटेलों का सरकार में वजन बढ़ने लगा तो आरएसएस ने सब पटेलों को निकालने के लिए, सब पटेल की सरकार को निकालने के लिए पूरा आयोजन किया। आप तो गुजरात के हैं, पत्रकार भी हैं, अमित शाह और मोदी की बात करें तो आप सबसे ज्यादा होशियार किसको मानते हैं दोनों में से? नहीं वो अमित शाह ज्यादा होशियार है। तो मोदी को डोमिनेट करते होंगे अमित शाह, क्या लगता है आपको? आप तो उनको शुरू से देख रहे हैं। मोदी ऐसे जैसे आरएसएस एक लिमिटेड जो कंपनी है बीजेपी, उनका जो मालिक है वो आरएसएस है, और उनके अंदर जो काम करने वाले हैं वो मैनेजर, मैं पीएम मोदी को मैं मैनेजर मानता हूँ, वो मैनेजर है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस को निपटा दिया था मोदी जब गुजरात में रहे तो आरएसएस। नहीं, वो अफवाह थी, उस हिसाब से वो अफवाह थी। आरएसएस को कौन, जो बीजेपी को जो चलाते हैं उसको तो थोड़ी मालिक को कोई थोड़ा निकाल। अच्छा, अमित शाह में लोग, कुछ लोग दिल्ली में, मेरे जैसे लोग जो हम लोग दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली में लोग कहते हैं कि अमित शाह ज्यादा ताकतवर है मोदी से, मोदी को वो करना पड़ता है जो अमित शाह चाहते हैं। आपको क्या लगता था? गुजरात में भी वो गृह मंत्री थे और मोदी मुख्यमंत्री थे। नहीं, अमित शाह की चलती है गुजरात में, को गुजरात में जो गृह मंत्री थे यहाँ से उसको निकाला गया था, तड़ीपार किया गया था, वो उसकी यहाँ गुंडा की ही छाप है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन मोदी और अमित शाह में ज्यादा आपको क्या लगता है, किनकी ज्यादा बात चलती है? नहीं, अमित शाह की चलती है, मोदी तो नाम का ही, मोदी नाम का है, अमित शाह की चलेगी आगे भी। ये लोगों का पूरा प्लान है, ये मोदी को हटाकर शायद अमित शाह को भी रखे, अमित शाह को रखे। चलिए, देखिएगा, गांठ बांध दीजिए, ये लोग सीनियर लोग हैं। एक और साथी पत्रकार हैं, बैंक में नौकरी भी कर चुके हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा लोन लेते हैं लोग, लेकिन SC ST OBC को नहीं मिलता। ये सही बात है कि SC ST OBC की जब भी कहीं रिक्वायरमेंट होती है छोटे छोटे उद्योग के लिए, तो उनके लिए एक लिमिट तय की है सरकार ने, गुजरात सरकार ने, कि भाई SC ST OBC को एक प्रावधान किया गया है कि इतना बजट उनके लिए करना है, तो उनको 5,000-10,000 का एक लोन दे देते, बर्तन दे देते, सिलाई का मशीन दे देते हैं, बराबर। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देकर यही पूरा बजट, इसमें से 5% बजट SC ST के पास जाता है, बाकी का सभी ये लोग गुजरात गवर्नमेंट वेलफेयर के नाम पर वो पूरी बजट की जो होता है धनराशि वो बाहर ले जाते हो और उनके काम करते हैं। मुझे पूरे देश में बदलाव महसूस हो रहा है, अफसर के खाली हैं, हमारे लोग होलिका दहन से लेकर तमाम जगह काउंटर कर रहे हैं। आपके, मुझे तो गुजरात में बहुत बदलाव दिख रहा है, आप लोगों को कितना बदलाव दिख रहा है? मैं तो देख रहा हूँ बुद्ध स्टोर, SC ST OBC के लोग बहुत एकजुट हो रहे हैं, पटेल भी अब आंदोलन समझ रहे हैं। हाँ, देश के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जैसे ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये इसके माध्यम के जरिए ऐसा लगता है कि SC ST OBC बहुत सारी जागृति आ चुकी है। मगर जहाँ तक गांव का सवाल है, गांव में आज तक ये यही
राजकारण जो पॉलिटिक्स में बड़े लोग हैं भाजपा और आरएस ने उन्हें ऐसा डाइवर्ट किया है लोगों का माइंड जो देहाती गांव में रहते हैं उनका कि ये लोग धर्म के पीछे ही भागे। ज्यादातर जो ग्रांट है वो धर्म के मंदिरों के बनाए धर्म के जो लाख लोग जुड़े हुए उनसे जुड़े हुए उन पर खर्च किया। देखिए गुजरात मॉडल का ये प्रयोग है मंदिर के सहारे बीजेपी ने हमेशा राजनीति किया और उसको वो देश भर में करने में सफल रहे हैं राम मंदिर से। ये मंदिर ये कितना आपको कितना बदलाव दिख रहा है? कुछ लोग जागरूक हुए गुजरात में? मुझे तो मैं तो चूंकि उसी तरह के प्रोग्राम में जाता हूँ अभी जूनागढ़ से आ रहा हूँ जागरूकता दिख रही है। आपको क्या लगता है मतलब SST OBC में जागरूकता आई है अपने अधिकार को लेकर? ये जो सरकार RSS वाली जो सरकार है बीजेपी की सरकार इस सरकार के जो जो भी फैसले है वो SST OBC के विरुद्ध के। अभी जो LRD की जो भर्ती जो हुई थी उसमें भी बहुत बड़ा घपला हो गए हमारे लोगों को SST OBC को जो होशियार हुए उन लोगों को जनरल कैटेगरी में नहीं लेते उस हिसाब से पूरा आंदोलन चल रहा है। अब ये टूक समय में पूरे गुजरात में आंदोलन होने वाला है तो इस हिसाब से SST OBC के लोग बहुत बड़े लोग अपनी उन लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ जब तक भागीदारी नहीं होगी SST OBC माइनॉरिटी के लोग मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी बिजनेस में नहीं आएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। देखिए ये दो पत्रकार हैं इसीलिए मैं कहता हूँ SST OBC माइनॉरिटी के लोग मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी यूनिवर्सिटी और बिजनेस में उनको बाहर रखा गया। जैसे जैसे लोग आएंगे आपको देश भर में जिस तरह से जातिवाद मनुवाद की एक आवाज़ समझ में आती है उसी तरह से बहुजनों की एक आवाज़ दिखाई देगी। बदलाव भले ही धीरे धीरे हो चुकी है जो एकता की लड़ाई है जो बराबरी की लड़ाई है वो थोड़ा लंबा तो होता है लेकिन इतिहास में आपका नाम जो है वो दर्ज भी होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें।